और ये हमारे स्टेडियम में प्लेयर्स आते हुए, और ये सबसे पहले धोनी जी की एंट्री। शर्मा जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? खैर जाने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शर्मा जी क्या बोले। यार विराट, बेशर्मों की तरह आ गए। पिछले 6 साल से तो तुम आज तक एक कभी नहीं जीत पाए, साल क्या खाक जीतोगे? तो चुप, पिछले 16 साल से यही बोल रहा है कि आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, अब जीतेंगे, तब जीतेंगे, कभी जीता है कब? पर तुम लोगों से बेहतर तो वो लड़कियां है आरसीबी की, जो इस साल जीत गई। अगर तुम लोग नहीं जीतोगे तो फिर तुम लड़कों का ही नाम बदनाम करोगे। लड़कियां जीत गई तो हम भी जीत जाएंगे, ये सपना रह जाएगा। आरसीबी कभी जीती थी जो अब जीतेगी। तुम तो चुप ही रहो, तुम तो हमेशा अपनी टीम की वजह से जीतते हो, कीपरिंग के सिवा आता भी क्या है तुम्हें? मैं देख लेंगे कौन जीतता है। हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं, जो जीता उसे सिकंदर और जो हारा उसे बंदर कहते हैं। बुढ़ा हो गया, हड्डियां कमजोर हो गई है तेरी। हाँ यार, पिछले साल भी डॉक्टर ने यही बोला था कि यूपी खाना छोड़ दो वरना हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। क्या करूं, घर का खर्चा भी तो चलाना है ना। साल में एक ही बार तो आता है आईपीएल, तब तक के मैं भुट्टे चराऊं। ये घर की अलग डिमांड है, टीवी को हार चाहिए, बच्चों को अंबानी के स्कूल में एडमिशन चाहिए। इतने पैसे कमाने के लिए थोड़ा तो प्रमोशन करना पड़ता है यार, भले ही मेरी हड्डियां कमजोर हो जाएं। हाँ, वैसे भी खा लो यूपी के पैसे, वैसे भी कौन करवाता है यूपी के सिवा तुम्हारा प्रमोशन? बोलिया मत, विंजो का भी प्रमोशन किया था और बूट्स का भी। यार वो बूस्ट नहीं, बूस्ट होता है बूस्ट। तुमको तो लक्ष्य मिला था, वो भी अनुष्का भाभी की बदौलत, बीवी के एड्स के पैसों में चलता है और मेरे को सिखाता है। ओनी, जबान संभाल के, मैंने भी बूस्ट और आयोडेक्स का एडवर्टाइजमेंट किया है, भी अपना इंस्टाग्राम अकाउंट देखा है मक्खी मारते हुए? मेरे तो लाखों में फॉलोअर्स है, मैं वही से पैसे कमा लेता हूँ। और ये मैच शुरू हो चुकी है 5 घंटे बाद भाई, और ये मैच की आखिरी गेंद, अगर विराट कोहली भाई ने 6 मार दी तो फिर आरसीबी जीत जाएगी। वैसे विराट कोहली भाई फुल फॉर्म में लग रहे हैं, क्योंकि अनुष्का भाभी जो उनके सामने है, और लोग स्टेडियम में नजरें गड़ाए हुए। और ये आरसीबी हार गई। अरे ये तो होना ही था, हर साल कौन सा जीतते थे जो इस साल जीतने वाले थे। वैसे भी मुंह उठाकर चले आते हैं हर साल की तरह, इस साल भी हार गए, इसमें नई बात क्या है।